हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल फॉरेस्ट फेरी। तो आज ना मैं सुबह उठी और मैं सोची कि आज मैं फ्री हूँ तो क्या काम करूँ जो मेरा रुका हुआ। तो मुझे ना याद आ गया मेरा कॉलेज वाला थोड़ा सा काम रुका हुआ है, तो मैं सोची कि आज कॉलेज चल जाती हूँ और वो काम कर लेती हूँ। तो मैं सोची कि थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद कॉलेज जाऊँगी। तो ये ना मैं मैप के थ्रू ही अपना थ्योरी पढ़ाई करती हूँ, वरना मुझे कुछ याद नहीं रहता। इटली वाले भैया का आवाज़ सुनकर मैं तो सोच ली कि आज इडली ही खा लेती हूँ, क्योंकि अभी नाश्ता बनाऊँगी तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सोची कि आज इडली खा लेती हूँ। और इनका इडली का ना जो सांभर है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और चटनी मुझे ठीक ठाक लगता है, तो मैं सोची कि खा लेती हूँ, आज काम चला कर लेती हूँ इसी से। तो मैं ये लेके आ गई और अभी नाश्ता करके मैं निकल गई कॉलेज के लिए। बहुत टाइम बाद कॉलेज जा रही हूँ ना, तो मुझे ना अपना कॉलेज टाइम याद आ रहा है कि कितना मस्ती करते थे अपना कॉलेज टाइम में। और ये गली ना मुझे बहुत याद आता है, क्योंकि हम लोग जब कॉलेज जाते थे ना बस शॉर्टकट इधर उधर से चल जाते थे, तो ये गली से हमेशा कॉलेज जाते थे। और कल रात तो इतना यहाँ पे आंधी तूफान आ गया था कि यहाँ का पेड़ तो नहीं गिरा है लेकिन डाली बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। तो अभी थोड़ा सा सूरज देवता को देख के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और अब मैं पहुंच गई कॉलेज, और ना बारिश के टाइम में मेरा कॉलेज इतना अच्छा दिखता है। अब तो मेरा कॉलेज नहीं रहा फिलहाल, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता था। इस कॉलेज में मैं जब थी ना यहाँ पे हमेशा ग्राउंड भरा भरा रहता था, अभी बहुत ही ज़्यादा खाली है। और ये कॉलेज का फेमस जगह है जहाँ पे पत्थर यहाँ पे, और यहाँ पे हमेशा लड़की भरी रहती है, लेकिन अभी पूरा खाली खाली है। और इधर भी पूरे खाली लग रहा है, और कॉलेज अभी पूरा ओपन नहीं हुआ है। और मैं ना जल्दी आ गई, क्योंकि वीमेंस कॉलेज में कुछ भी काम कराना होता है तो वो लाइन में ही होके होता है, और वीमेंस कॉलेज का लाइन बहुत ज़्यादा हमेशा लंबा लाइन होता है। तो जब मैं आई तो देखी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खाली है। तो यहाँ मैं वर्षु और सूची आए हैं, और यहाँ पे सूची मेरा काम थोड़ा कर दे रही है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कर दे रही है, पेपर को पूरा अरेंज कर दे रही है। वो काम सारा करने के बाद ना यहाँ पे न्यू कैंटीन ओपन हो गया है इस यूनिवर्सिटी में, तो मैं सोची कि चलो आज तो कुछ ट्राई कर लेते हैं। जो हमारा पुराना कैंटीन था वहाँ समोसा चाट बहुत फेमस था, तो मैं चल गई टेस्ट करने के लिए। तो मैं ना यहाँ पे नूडल्स लिए, मुझे ठीक ठाक लगा, तो मैं वर्षों को सोची कि टेस्ट कराती कि ये कैसा टेस्ट है, वर्षों को कैसा लगता, क्योंकि इससे पहले वाला कैंटीन में मुझे नूडल्स उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वर्षों को भी पसंद आया, वो भी कह रही थी कि अच्छा लग रहा है पहले से। फिर उसके बाद ना समोसा चाट तो फेमस था उस कैंटीन का, तो मैं सोची कि इस कैंटीन का मैं ट्राई करके देखती हूँ कि इस कैंटीन में कैसे समोसा मिल रहा। बट मैं जब ट्राई की ना मुझे नॉर्मल लगा, उतना खास नहीं लगा, क्योंकि पुराना कैंटीन का जो समोसा था वो थोड़ा ज़्यादा ही फेमस था, ये नॉर्मल है। मुझे मीठा चटनी समोसा के साथ अच्छा लगता, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। फिर उसके बाद वर्षु और सूची चल गई। वर्षु और सूची चल जाने के बाद ना मुझे याद आया कि मुझे भी सांची जाना था, तो मैं ना थोड़ी देर बाद ही सांची के लिए निकल गई, क्योंकि मुझे टेलर भैया के पास जाना था, इसलिए मैं निकल गई थोड़ी देर बाद। और सांची में ना डायमंड में बहुत ही अच्छा सिलाई होता है, तो मैं ना वहीं पर हमेशा सिलवाती हूँ। तो मैं चल गई टेलर भैया के पास अपना कपड़ा लेने के लिए, बट जब मैं गई ना वहाँ पर मेरा कपड़ा कम्प्लीट नहीं हुआ था, तो मुझे वेट करना पड़ा, मुझे कुछ कुछ सामान लेना था। तो मैं चल गई सांची मार्केट के अंदर, और तब तक वर्षु भी आ गई। तो मैं और वर्षु मस्ती करते करते मार्केट पूरा घूम रहे हैं, और यहाँ पे ना यार इतना ज़्यादा सामान दिखता है कि हमेशा कुछ ना कुछ लेने का मन करता है, कभी भी मन कर रहा है लेने का। फिर उसके बाद पहुँच गई रिलायंस स्मार्ट, और ये सारा देख के ना बहुत खाने का मन किया, लेकिन ये सारा कुछ मैं नहीं खाती हूँ, तो मैं सोची कि छोड़ देती हूँ, लेकिन प्राइस तो देखना ज़रूरी है भाई। तो मैं यहाँ पर प्राइस देखी, और स्टूडेंट लाइफ में ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी मम्मी पापा के साथ आती तो जो चाय उठा लेती, लेकिन अपने पॉकेट मनी से थोड़ा निकालना मुश्किल लगता है। उसके बाद आई तो मैं सोची कि ये सारा कुछ फ्रूट्स ले लेती हूँ, और मैं जब यहाँ पे आई तो मैं सोची कि क्या लूँ क्या लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था इतना ज़्यादा कुछ देखने के बाद। मैं सोची कि मकई ले लेती हूँ, थोड़ा सा स्वीट्स कॉर्न खा लूँगी तो अच्छा लगेगा। तो मैं सोची, बहुत सोची, उसके बाद मैं सोची कि थोड़ा सा तो लेना बनता है भाई कुछ ना कुछ, तो फिर मैं थोड़ा बहुत ले ली। और इधर सोची कि अभी क्या मार्केट से सब्ज़ी भाजी खरीद, वहीं से थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। तो फिर ना मैं यहाँ से गई, तो मैं सोची कि क्या लूँ क्या लूँ, बहुत सोचने के बाद ना मैं 1 kg टमाटर उठा ली। उसके बाद मैं ना कदमा चल गई वर्षु के साथ, और वहाँ पर थोड़ा सब्ज़ी भाजी भी सोची कि अभी खरीद लेती हूँ, तो यहाँ पर सब्ज़ी भाजी खरीदने लग गई। और आलू प्याज तो होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्टल में कुछ नहीं रहता, तो मैं तो आलू का चोखा बना लेती या आलू का भुजिया, तो आलू तो रहना कंपलसरी है। तो फिर इधर मैं आलू प्याज ले ली। फिर अभी मैं सोच रही कि क्या लूँ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं सोची कि कुछ तो ले लेती हूँ। फिर यार थोड़ा बहुत सब्जी लेने के बाद मैं रूम पहुँच गई, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।